हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सीरीज में हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे जावास्क्रिप्ट के जो भी थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एक्सरसाइजेस को। ये एक एक्सरसाइज मैंने बनाई है जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू क्या होता है कि फॉर्म को वैलिडेट किया जाता है, जिसके थ्रू यूजर के लिए कह सकते हैं कि मस्ट हो जाता है फॉर्म के अंदर डेटा फिल करना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बेसिक फॉर्म वैलिडेशन मैंने इंप्लीमेंट किया है। इसके कोड को हम देखते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझने की कोशिश करना और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं कोड की तरफ। तो मैंने सिंपली क्या किया है, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही एक फाइल बनाई है एक्सरसाइज 1.html और उसी के अंदर एक फाइल बनाई है validation.js, ठीक है। इस validation.js को मैंने बॉडी टैग के अंदर बॉटम में इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली हमारा सबसे पहले HTML फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स डिजाइन कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, बाद में उसकी हम CSS भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया कंटेनर, उसके अंदर मैं फॉर्म डिफाइन करूंगा विद ID फॉर्म, ठीक है। इसको मैं एक्शन डिफाइन करूंगा #, बिकॉज अभी मुझे कहीं पर भी फॉर्म सबमिट नहीं करना, बस फॉर्म के एलिमेंट्स जो होंगे, इनपुट टाइप जितने भी होंगे, वो हमें वैलिडेट करने हैं। इसके अंदर एक H1 हेडिंग ले लेते हैं, जिसको मैं हेडिंग दे देता हूँ एस साइन अप फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ और इसको मैंने क्लास असाइन किया इनपुट -control, ठीक है। इसके अंदर आकर सबसे पहले एक लेबल डिफाइन कर देते हैं, 4 एट्रीब्यूट दे देते हैं इसको, यूजर नेम, और लेबल के अंदर टेक्स्ट रख देते हैं यूजर नेम ही, ओके। लेबल हमारा रेडी है। अब हम लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID इसको असाइन करते हैं यूजर नेम, और नेम भी असाइन कर देते हैं यूजर नेम, ठीक है। इसी इनपुट कंट्रोल के अंदर हम एक और डिव लेंगे, जिसको क्लास असाइन करेंगे एरर टू डिस्प्ले दी एरर मैसेजेस इन केस ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। तो एक हमारा इनपुट कंट्रोल रेडी है। इसी तरीके से हमारा एक ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, और एक होगा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो उसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे रेडी है। अब हमें लास्ट में एक बनाना है हमारा बटन, तो बटन टाइप इसके हम रखेंगे सबमिट, और टेक्स्ट इसके अंदर होगा साइन अप, ठीक है। इसको करते हैं रन, ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्म आ चुका है। अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई। स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर इंटरनल CSS ही लिखेंगे हम। तो मैंने क्या किया, टॉप में हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया है, और कुछ बेसिक स्टाइलिंग मैं अप्लाई कर देता हूँ, लाइक फॉन्ट फैमिली वगैरह, तो ये मैंने रख दिया। बैकग्राउंड कलर वगैरह आई गेस आ जाना चाहिए, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वगैरह आ चुका है। अब हम सबसे पहले फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है, उसके अंदर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे फॉर्म पर मैंने स्टाइल अप्लाई कर दी। उसके बाद फॉर्म के अंदर ही हमने H1 ले रखा है, इस पर कलर अप्लाई कर देते हैं, इसको कहते हैं हम रन, ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्म सेंटर में आ चुका है, हेडिंग भी प्रॉपर है, बाकी की जितनी CSS है मैं अभी के लिए सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा टाइम सेव हो सके। मैं इस फाइल का जितना भी कोड है ना, वो नीचे सोर्स कोड सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकें, ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्म रेडी है। अब हम क्या करते हैं, आई गेस आपको याद होगा, मैंने जब आपको फॉर्म्स इनपुट टाइप्स जितने भी बताए थे फॉर्म के अंदर, तो एट्रीब्यूट भी बताए थे। आज एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, जो कि है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या, रिक्वायर्ड का मतलब ये आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर वैल्यू फिल करना मस्ट है। देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट किया, साइन अप पे क्लिक किया, तो यूजर नेम के अंदर पॉपअप आ गया प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मतलब यहां पर आपको वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट क्यों का। तो ये ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैसेज आया, ठीक है। तो ये HTML के थ्रू ही वैलिडेट हो गया, पर हमें HTML के थ्रू वैलिडेट नहीं करना, हमें वैलिडेट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो मैंने वहां से रिक्वायर्ड हटा दिया। अब हम हमारी validation.js फाइल पे आते हैं। यहां पर हम मेन काम करेंगे हमारा, जो भी वैलिडेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसको देखो, हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो रहेगा, देखो स्टेप वन क्या रहेगा, स्टेप वन ये रहेगा, हम रेफरेंसेज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। गेट द रेफरेंस ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। स्टेप टू होगा फॉर्म सबमिट इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। स्टेप थ्री रहेगा वैलिडेट
इनपुट फील्ड्स, ठीक है। स्टेप फोर रहेगा डिफाइन सेट एरर मैसेज, डिफाइन और कह सकते हैं कि डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। और इसी तरीके से स्टेप फाइव रहेगा हमारा डिस्प्ले सक्सेस मैसेज। तो हमारा नंबर वन स्टेप है रेफरेंसेज को कलेक्ट करना। तो रेफरेंसेज को हम कलेक्ट करेंगे पांच वेरिएबल्स के अंदर। सो सबसे पहला नंबर वेरिएबल लेते हैं हम इन कॉन्स्ट फॉर्म, इसके अंदर हम रेफरेंस लेंगे हमारे फॉर्म का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म को हमने आईडी असाइन किया था फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड लेंगे रेफरेंस यूजर नेम का, इसको भी सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वहां पर भी आईडी है यूजर नेम, ठीक है। जनरली आप यही बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ट्राई यही करना कि जो भी आईडी होती है यहां पर आपकी इनपुट टाइप, जो एचटीएमएल के अंदर आईडी के अंदर जो वैल्यू आप असाइन करें, यही आप यहां पर वेरिएबल्स पे असाइन करें ताकि टाइप मिस्टेक ना हो और थोड़ा काम हमारा जल्दी हो सके, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे बाकी के तीन एलिमेंट्स और हैं, यूजर नेम, ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो ये रहा हमारा ईमेल, ये रहा हमारा पासवर्ड, और ये रहा हमारा पासवर्ड टू, राइट। तो हम क्या करते हैं, बाकी के तीन रेफरेंस और ले चुके हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेप वन कंप्लीट है, हमने 500 के 500 रेफरेंस डिसाइड कर दिए। स्टेप टू में बारी आती है फॉर्म सबमिट इवेंट डिफाइन करने की। तो अब वो डिफाइन होगा हमारे इस रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर हम एक एड इवेंट लिस्नर को कॉल करेंगे और इवेंट होगा हमारा सबमिट ई एरो ब्रैकेट एरो, ठीक है। यहां पर हम सब अंदर आकर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। बेसिकली ये मेथड क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होती है पर्टिकुलर इवेंट की उसको रोक देता है, ठीक है। बिकॉज अभी यहां पे फॉर्म को हमें सबमिट करना ही नहीं, हमारा मेन टारगेट क्या है, फॉर्म को वैलिडेट करना, इसलिए मैंने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल किया ताकि फॉर्म सबमिट ना हो। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा वैलिडेट इनपुट्स, जो कि मुझे पहले यहां डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं स्टेप थ्री पर आके एक फंक्शन कॉल डिफाइन करता हूं वैलिडेट इनपुट्स, ठीक है। डिफाइन किया और इसको मैं कॉल कहां करूंगा, यहां पर कॉल करूंगा इवेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टेप टू भी हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं स्टेप थ्री के अंदर। स्टेप थ्री के अंदर आकर हम क्या करेंगे, हमारे इन जितने भी इनपुट फील्ड्स है ना, यूजर नेम वगैरह, उनको वन बाय वन वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैलिडेट करते हैं यूजर नेम को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं यून वैल्यू, इसके अंदर हमारी यूजर नेम की वैल्यू को गेट करते हैं। तो यूजर नेम हमारा रेफरेंस डिफाइन है, राइट। तो यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ट्रिम से क्या होगा, जनरली जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आगे और पीछे का जो स्पेस होगा ना उसको वो रिमूव कर देगा, एम्प्टी स्पेस को, ठीक है। तो यून की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इससे आगे बढ़ने से पहले यहां पर दो मेथड भी डिफाइन करके रख देते हैं ताकि हम कॉल करने में हमारे थोड़ा आसानी रहे। तो यहां पर एक मेथड रहेगा सेट एरर, सॉरी मेथड है ना, तो मेथड डिफाइन होगा फंक्शन कीवर्ड से सेट एरर, ठीक है। और इसी तरीके से एक होगा सेट सक्सेस, ठीक है, एस यू डबल सी ई डबल एस। अब इसको हम कॉल करेंगे कहां पर, यहां से वैलिडेट इनपुट के अंदर। ये फंक्शन बेसिकली इसलिए बनाए क्योंकि हमें जहां पर भी एरर दिखानी है ना, तो हम पर्टिकुलर जहां पे हमें जरूरत होगी वहीं पे डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर से, ठीक है। जैसे अभी हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं हमारे यूजर नेम वाले फील्ड को, ठीक है। तो हम यहां पर अब हमारे वापस स्टेप थ्री के अंदर आते हैं वैलिडेट इनपुट्स मेथड के अंदर। इसके अंदर आके इफ ब्लॉक लिखते हैं, इफ यून वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी ना कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं, राइट। अगर है, सॉरी एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो फंक्शन कॉल होना चाहिए सेट एरर। इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे तो जाहिर सी बात उधर रिसीव भी करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं पास करूंगा यूजर नेम ऑब्जेक्ट को, सॉरी रेफरेंस को, और एक मैसेज पास करूंगा, मैसेज पास करूंगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहां पर जाहिर सी बात है मुझे सेट एरर पर उन्हीं को वापस रिसीव करना पड़ेगा, करेक्ट, जो मैंने यहां पे दो आर्गुमेंट पास किए हैं, ओके, ठीक है। तो हम वापस करते हैं और यहां पर आर्गुमेंट रिसीव, तो सबसे पहला आर्गुमेंट होगा एलिमेंट, कुछ भी आप रख सकते हैं, दूसरा होगा मैसेज, ठीक है। अब यहां पर आके हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट इनपुट कंट्रोल, इसके अंदर एलिमेंट डॉट पेरेंट
एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब। फिर कॉन्स्ट एरर डिस्प्ले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं इनपुट कंट्रोल डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर हम क्लास लेते हैं एरर। इतना ही गेस आपको समझ में आ गया। सेट एरर मेथड को हम यहां से कॉल करेंगे एक बार के लिए, इसको करके देखते हैं हम। नहीं अभी तो रन नहीं करते, रन हम करेंगे आगे। अब हम करते हैं यहां पे एरर डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मैसेज। मैसेज वो जो हमने यहां से पास किया, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रहा मैसेज, ये रहा हमने इसके अंदर पास कर दिया। फिर हम इनपुट कंट्रोल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड करेंगे, कौन सी क्लास एड करेंगे, एरर। देन ये लाइन क्लोज, देन इनपुट कंट्रोल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे सक्सेस को। सक्सेस हालांकि बाद में आएगा जब सक्सेसफुली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इतने को एक बार के लिए हम करते हैं रन। ठीक है, साइन अप पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यूजर नेम इज रिक्वायर्ड आ चुका है, बिकॉज यहां पर वैल्यू कुछ भी नहीं मिली। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया, ठीक है साइन अप पे क्लिक किया, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार इसको मैंने कमेंट किया फॉर एग्जांपल, और यहां पर एक अलर्ट करके दिखाता हूं, और यहां पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने किया रन, साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया तो हेलो वर्ल्ड आपके सामने आ गया ना पॉपअप। ठीक है, तो आप समझ गए कि हाँ इवेंट लिसनर कॉल हो चुका है। तो जैसे ही वैलिडेट इनपुट मेथड कॉल होगा, वैलिडेट इनपुट मेथड कॉल होती हुआ आया स्टेप थ्री के अंदर। स्टेप थ्री के अंदर आते ही यहां पर हमने वैल्यू को कलेक्ट किया यूएन वैल्यू के अंदर। यूएन वैल्यू के बाद में हमने चेक किया कि यूएन वैल्यू एम्प्टी है क्या, मतलब इक्वल टू नल है क्या। अगर है तो सेट एरर मेथड कॉल होना चाहिए, उसके अंदर हमने रेफरेंस को पास कर दिया जो यूजर नेम था और एक मैसेज पास किया। तो सेट एरर मेथड हमने यहां पर डिफाइन कर रखा है, एलिमेंट हमने रिसीव किया यूजर नेम रेफरेंस को और मैसेज भी हमने रिसीव किया। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इनपुट कंट्रोल और उस एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया। पेरेंट एलिमेंट कौन होगा, यूजर नेम का। अब वो जाके हम देखते हैं हमारे कोड के अंदर, कोड हमारा ये रहा। तो ये हमारा रहा सबसे हम आते हैं एचटीएमएल के अंदर, ये हमारा था यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम का पेरेंट एलिमेंट कौन होगा, इनपुट कंट्रोल है ना, तो ये डिव को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इनपुट कंट्रोल हमारा सेलेक्ट है। इनपुट कंट्रोल के अंदर हमने सेलेक्ट किया क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू एरर डिस्प्ले के लिए। तो एरर डिस्प्ले के लिए हमने क्या क्लास ले रखी है, एरर क्लास डिफाइन कर रखी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एरर डिस्प्ले क्लास के अंदर इनर टेक्स्ट क्या डिफाइन कर दिया, मैसेज। मतलब इनर टेक्स्ट जनरली क्या कहते हैं, वो मैसेज जो आपने पर्टिकुलर पी टैग या फिर कहीं पर भी आप जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आई गेस आपको पता होगा लास्ट वीडियो के थ्रू। तो हमने मैसेज डिफाइन कर दिया इनर टेक्स्ट के थ्रू, एड कर दिया वहां पर, किसके अंदर, इस एरर क्लास के अंदर। ओके, इसके बाद क्या किया, इनर इनपुट कंट्रोल के अंदर क्लास लिस्ट डॉट एड, मतलब एक नई क्लास एड कर दी जो कि है एरर। ठीक है, अब एरर क्लास के अंदर हमने सीएसएस ये डिफाइन कर रखी, ये रही हमारी सीएसएस की, कलर हो जाए रेड, फ़ॉन्ट साइज हो 9 पिक्सल और हाइट हो 13 पिक्सल। ठीक है, और क्लास रिमूव हो जाए सक्सेस, हालांकि सक्सेस वाला पार्ट आएगा बाद में। अब वो सक्सेस रिमूव कब होगी, वो इस केस में होगी, फॉर एग्जाम्पल साइन अप पे मैंने क्लिक किया तो एरर वाली क्लास अप्लाई, जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिख दूंगा तो वो क्लास रिमूव हो जाएगी। अभी रिमूव हुई नहीं वो इस वजह से, बिकॉज हमारा एरर वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट, अब हमें रिमूव के लिए यहां पर एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। राइट, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू हो चुकी थी पहले, इसी वजह से वो पड़ी है। अब रिमूव करने के लिए यहां पे हमें फंक्शन कॉल करना है सेट सक्सेस। करेक्ट, सेट सक्सेस में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एलिमेंट को पास करेंगे यूजर नेम, बिकॉज यहां पर हमें कोई मैसेज तो दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ वो एरर मैसेज को हाइड करना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ सेम एज इट इज यूजर नेम रेफरेंस को पास कर दिया यहां पर भी। तो यहां पर भी सेट सक्सेस हमने मैसेज डिफाइन कर यहां कर रखा है नीचे, एलिमेंट को मैं रिसीव करूंगा और सिंपली सेम कोड कर दूंगा जो मैंने ऊपर कर रखा है, 500 लाइन का कोड कॉपी किया मैंने और सिंपली यहां पे नीचे पेस्ट कर दिया। पेरेंट एलिमेंट भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, एरर क्लास भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैसेज मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैसेज मैं यहां पे क्या कर दूंगा, एम्प्टी। राइट, अब यहां पर एड क्या हो जाएगा, एड तो हो जाएगा सक्सेस। करेक्ट, और रिमूव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एरर, जस्ट रिवर्स। ठीक है, अब जाके हम करते हैं इसको रन, इसको करेंगे हम रन। तो यूजर नेम, अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूं तो सी हमारी सक्सेस क्लास ऐड हो गई और वो क्लास हो गई रिमूव जो कि एरर वाली थी। करेक्ट, अब ये सेम कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है बाकी तीनों एलिमेंट्स के लिए भी, ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो मैंने अगेन कॉपी पेस्ट किया तीनों वेरिएबल्स लिए, ये सेम कंडीशंस आप किसके लिए लिख देंगे, ईमेल के लिए लिख देंगे सबसे पहले। तो ईमेल वैल्यू ये रहा,
ईमेल, यहाँ पर हमारा रेफरेंस चला जाएगा ईमेल, नीचे भी चला जाएगा ईमेल और यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, करेक्ट मैसेज हो जाएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। उसको जाके हम करेंगे रन। फंक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, साइन अप पे क्लिक किया तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। ईमेल के अंदर हम एक और एल्स इफ ब्लॉक डाल सकते हैं जो कि होगा वैलिड ईमेल वैल्यू के लिए, करेक्ट। तो हम एल्स इफ लिखेंगे इज वैलिड ईमेल, इज वैलिड ईमेल में हम ईमेल वैल्यू पास करेंगे और मैसेज लिख देंगे प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस। हमें ये इज मेथड को डिफाइन करना है, ठीक है, इज वैलिड ईमेल। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में आऊंगा और यहां पर एलिमेंट रिसीव करूंगा, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, हम एक पैटर्न डिफाइन करेंगे। पैटर्न आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं, आपको मिल जाएंगे ईमेल के, पासवर्ड के, सिंपली नॉर्मल पैटर्न्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर ही वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना है तो फंक्शन कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको जाके रन करेंगे तो सबसे पहले साइन अप, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इसके अंदर लिखा वसीम और साइन अप पे क्लिक किया तो ये मैसेज क्या आया, प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मतलब एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैंने इसके अंदर वैलिड ईमेल लिख दिया, सी अभी भी बोल रहा है वैलिड ईमेल बिकॉज हमने आई गेस, तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है, यहाँ पर हमने ईमेल लिख रखा है और ऑब्जेक्ट सॉरी रेफरेंस हमने कलेक्ट कर रखा है एलिमेंट वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर ईमेल ना लिखे हमें एलिमेंट लिखना है। अब जाके हम रीनेम कर सॉरी रीलोड करते हैं और ट्राई करते हैं wasim@gmail.com, साइन अप, ठीक है, सक्सेस, फंक्शन कॉल हो रहा है। इसी तरीके से अब हम दोनों फंक्शन कॉल करेंगे पासवर्ड के लिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले पासवर्ड वाला वेलिडेशन लगाता हूँ, यह रहा पासवर्ड, पासवर्ड वैल्यू को चेक किया और उसके बाद मैंने else if ब्लॉक के अंदर पासवर्ड की लेंथ को चेक किया है, लेस देन 8 है क्या, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाद में चेक करते हैं पासवर्ड 2 को भी, तो पासवर्ड 2 की भी वैल्यू हमने कलेक्ट कर रखी है। पासवर्ड 2 में पहला ब्लॉक तो वही एम्प्टी के लिए, सेकंड else if मैंने लिखा है पासवर्ड 2 की वैल्यू को मैच किया है पासवर्ड की वैल्यू से, बिकॉज कन्फर्म पासवर्ड है तो जाहिर सी बात है दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड डजंट मैच और else ब्लॉक के अंदर सेट सक्सेस को कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंप्लीटली रन। साइन अप पे क्लिक किया तो सारों के चारों मैसेज आ गए, जैसे ही मैंने लिखा wasim@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड लिखा कुछ भी, तो पहले मैसेज आया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट एट कैरेक्टर्स, करेक्ट। तो एट कैरेक्टर्स ऐड करते हैं। अब मैंने सब साइन अप किया तो पहले वाला तो सही है, बट ये बोल रहा पासवर्ड डजंट मैच, तो मेरे को क्या करना है, चेंज करना है और अब पासवर्ड चेंज कर देना है दोनों में और साइन अप पे क्लिक किया, दैट्स इट। अब चारों के चारों परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आगे की फंक्शनैलिटी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्म वैलिडेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोड में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, बेसिकली आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हाथ से जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। आप जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी यार अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, वहां पर भी मुझे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। और अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन करियो तो वहां पर डीएम कर दो, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी काम तुम कर रहे हो ट्राई करो कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जरूर शेयर करो, बिकॉज लिंक्डइन पर तो डेफिनेटली करो, बिकॉज वहां पर यार रिक्रूटर्स बहुत ही अवेलेबल हैं, जॉब वगैरह अगर चाहिए तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, सी यू देन, बाय बाय।